नमस्कार, आप देख रहे हैं क्राइम स्टोरी। मैं हूं हेमंत गुप्ता। पेश है अब तक की बड़ी खबर। उत्तराखंड के अल्मोड़ा में बैंक खाते से धोखाधड़ी कर लाखों रुपए निकालने के मामले को लेकर एसएसपी द्वारा गंभीरता से लेते हुए साइबर सेल्स को इस घटना का खुलासा करने के आदेश दिए थे, जिस पर साइबर सेल्स टीम ने उत्तर प्रदेश के गोंडा से अंतर्राज्यीय एटीएम गिरोह को सलाखों के पीछे पहुंचा दिया। वहीं एसएसपी रेणु देवी ने बताया कि किरण शाह के एसबीआई खाते से धोखाधड़ी कर लगभग 183,000 रुपए निकाले जाने को लेकर तहरीर दी गई थी, जिसके आधार पर 5 नवंबर को कोतवाली अल्मोड़े में आईटी एक्ट बनाम अज्ञात किया गया था, जिसमें एक युवक को गिरफ्तार किया गया है। अभी नवंबर 5 तारीख को यहाँ पर हमारे पास एक कंप्लेंट प्राप्त हुआ था। उनको बैंक अकाउंट से 1,83,000 निकल गया करके, और फिर हमने आईटी एक्ट के अंतर्गत उसमें मुकदमा दर्ज किया गया है एंड हमारा साइबर सेल द्वारा इन्वेस्टिगेशन किया गया था। उसमें हमने सीसीटीवी फुटेज एंड सर्वेलेंस के आधार पर हमको गोंडा का लिंक मिला है। हमारा टीम वहां जाके एक राहुल त्रिपाठी है उनको अरेस्ट कर दिया गया है। आज हमने उनको पेशी कर रहे हैं एंड उनके द्वारा ये बताया गया है, उनको टीम में और 2 सदस्य हैं एंड उनसे हमने एक गाड़ी उन लोगों ने घटनाक्रम में यूज़ किया था, एक 4-व्हीलर है वो बरामद किया गया एंड कुछ मनी बरामद हुआ है एंड बाकी 2 सदस्य हैं उनको भी जल्दी से जल्दी गिरफ्तार करने के लिए प्रयास किया जाए। ब्यूरो रिपोर्ट, क्राइम स्टोरी, अल्मोड़ा।